सब्सक्राइब करें क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप मोबाइल इंट्रो बनाएं। देख सकते हैं मैंने एक इंट्रो बनाया है, तो ऐसा इंट्रो आप भी बना सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिए वरना कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे मैं पूरा सिखाऊंगा, तो आगे तक देखिए वीडियो को। तो चलिए बनाते हैं। काइनमास्टर में जाके प्लस आइकन पर क्लिक करके 16:9 पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद मीडिया में जाके एक बैकग्राउंड ले लें। बैकग्राउंड में आप जो भी तस्वीर देना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ, ये बहुत कूल लगता है। इसको 10 सेकंड तक खींच ले, क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा इंट्रो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है। 10 सेकंड ही एकदम ठीक है। तो ठीक है, 10 सेकंड तक इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, प्ले कर ले। ठीक है, 10 सेकंड हो गया। ओके, उसके ऊपर मीडिया आपको एक मतलब फ़ोन, जो फ़ोन का पिक्चर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एकदम सेम टू सेम उस फ़ोन का बैकग्राउंड को यहाँ पे दे देते हैं। इसका ठीक से एडजस्ट कर ले जितना आपको लगता है सही, मैं इतना कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैसे कर रहा हूँ मैं इसको, एकदम लास्ट तक कर दे एकदम बैकग्राउंड के साथ। 10 सेकंड लास्ट तक एकदम हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक काम करना पड़ेगा, आप अपने यूट्यूब में जाकर अपना चैनल का 3-4 स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे, मैंने ऑलरेडी लेके रखा है। काम गया, ये रहा। पहले तो सब्सक्राइब करने से पहले, उसके बाद एक होगा सब्सक्राइब करने के बाद, और उसके बाद बेल आइकन मतलब ऑल करने के बाद, यहाँ पे बेल आइकन प्रेस करने के बाद, ठीक है। ये 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद काइनमास्टर में चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद लेयर में जाए, लेयर में जाने के बाद फास्ट जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्क्रीनशॉट आ गया, ये रहा। यहाँ पे जाने के बाद फास्ट स्क्रीनशॉट जो लिया था सब्सक्राइब करने से पहले का, जिसमें सब्सक्राइब बटन एकदम क्लियर दिख रहा है, इसको ठीक से एडजस्ट कर ले और क्रॉप कर दे। तो देखिए दाएं तरफ क्रॉप ऑप्शन है, क्रॉपिंग में जाके ठीक से देख ले कितना एडजस्ट होता है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, देख लीजिए ऐसे करना है, ठीक है। तो क्रॉप कर लिया मैंने, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लेकर के देख लेता हूँ। तो एडजस्ट एकदम परफेक्ट हुआ है। इसके बाद सेकेंड जो इमेज है उसको ऐड करना है, सेम प्रोसेस। लेयर में जाने के बाद लेयर में जाइए, उसके बाद मीडिया में जाइए, उसके बाद स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे ऐड कर ले। सेकेंड स्क्रीनशॉट होगा, हमने सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दिया उसका, फिर इसको क्रॉप कर ले, ठीक से क्रॉप कर ले। ओके, तो इसको भी मैंने क्रॉप कर लिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, ठीक है। इसके अंदर 4 स्क्रीनशॉट्स फिट करना है उसी हिसाब से। तो एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। प्ले करके देख लेते हैं एक बार। इसके अंत में एक इसको एडजस्ट कर लूँ, अच्छा ठीक है। तो इसको प्ले करते हैं, प्ले करके देखते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को एकदम अंत तक देखें तो आपको मैं पूरा का पूरा समझा दूँगा, और आप भी खुद भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो एक बार प्ले कर लेता हूँ। ओके, तो ठीक है, सेकेंड भी हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया। इसके बाद का जो स्क्रीनशॉट है उसको ऐड करना पड़ेगा। मीडिया में जाके स्क्रीनशॉट,
ओके सेम प्रोसेस, थर्ड जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था उसको भी सेम प्रोसेस से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉप कर ले, ठीक है, क्रॉपिंग ओके, तो ठीक से क्रॉप कर ले एकदम, हो गया, ये हो गया, ठीक से मैंने क्रॉप कर लिया। तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर और एक स्क्रीनशॉट ऐड करना पड़ेगा, प्ले करके देख लेता हूँ, सब्सक्राइब हो गया, बेल का जो नोटिफिकेशन ऑल ऑल आ गया, ठीक है, इसके बाद सिर्फ बेल पे प्रेस करना है, उसको भी ऐड कर लेता हूँ, बेल बजाने के बाद जो स्क्रीनशॉट लिया था वो भी ऐड कर देना पड़ेगा, इसको भी सेम प्रोसेस, इसको भी एडजस्ट करके क्रॉप कर ले, ओके, क्रॉपिंग, और ये भी हो गया थोड़ा सा, ये भी हो गया, ठीक है, इसको पीछे तक एकदम 10 सेकंड तक देख ले कितना जाता है, ठीक है, तो एक बार इसको भी प्ले करना पड़ेगा, क्रॉप ट्रिम कर देते यहाँ से, ठीक है, तो इसका काम तो हो गया, इसके अंदर एनिमेशन डालना है, जो उंगली का जो एनिमेशन होता है उसको भी डालना है, तो एक बार देख लो, उसके बाद वो एनिमेशन भी डालेंगे, तो चलिए इसके अंदर हम लेयर में जाएंगे, जाने के बाद टेक्स्ट, यहाँ पे इमोजी जो होता है ना, यहाँ पे इमोजी उंगली का इमोजी होता है, तो उसको आप ले लें, और पहला जो है वो पहला स्क्रीनशॉट के साइज का करें और सब्सक्राइब बटन के ऊपर रखें, इसका इन एनिमेशन जो है इसका एकदम पहले का स्क्रीनशॉट जितना है उससे भी छोटा रखें, उससे छोटा रखें, तो इसका इसके अंदर एनिमेशन डालना है, तो इसका इन एनिमेशन देना पड़ेगा, स्लाइड अप, स्लाइड अप दे देते हैं, और आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन देना पड़ेगा, ठीक है, ओवरऑल में दे देते जो क्या था, स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग लिखा हुआ है ना, इसको दे देंगे तो ओरिजिनल उंगली का ज़रा लगेगा, और आउट एनिमेशन दे देते स्लाइड डाउन, तो हो गया, एक बार प्ले करके देख लेते हैं, ये हो गया प्रेस, हो गया सब्सक्राइब, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे पर्दा, इसका भी सेम प्रोसेस है, सेकेंड स्क्रीनशॉट के साइज का मतलब उसके ऊपर देना पड़ेगा, पर लेयर पे चलते हैं, सेकंड लेयर, वहाँ पे जाने के बाद लेयर पे टेक्स्ट ले ले, टेक्स्ट में और एक उंगली ले ले, वो इमोजी क्या कहते हैं, इमोजी चिप लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्लिक करें या प्रेस बेल के ऊपर, और इसको थोड़ा सा क्रॉप कर ले, जितना सा स्क्रीनशॉट है उससे भी छोटा कर ले, थोड़ा कर ले, और इसका भी ओवरऑल एनिमेशन, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन सेम करके दे दे, इसका इन एनिमेशन देते प्ले करके, अच्छा हो गया, तो ये अभी एनिमेशन देने के बाद अच्छा लगेगा, इन एनिमेशन स्लाइड अप दे देते हैं, आउट एनिमेशन दे देते हैं स्लाइड डाउन, ओवरऑल दे देते हैं स्क्वीजिंग, और आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन, ओके, प्ले करके एक बार देख लेते हैं, ओके, और एक बार अब यहाँ पे जाके और एक लेना पड़ेगा इमोजी, उसका भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ले लेते हैं ऑल बटन के ऊपर, ऑल बटन के ऊपर रख के सेम वैसे ही प्रोसेस है, ठीक है, इसको क्रॉप करना पड़ेगा लास्ट तक, इन एनिमेशन स्लाइड अप, आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन, इन एनिमेशन स्लाइड अप, ओवरऑल एनिमेशन दे देते हैं स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग ओके, और आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन, तो गाइज ये हमारा एनिमेशन का काम पूरा हो चुका है, तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं, सब्सक्राइब हुआ, बेल बजा,
ऑल पे ऊपर क्लिक हुआ, चलो हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है, हो गया। तो इसके बाद का जो काम होता है उसके इसके अंदर वॉइस देना होता है, ठीक है। तो इसको प्ले करने के बाद आप यहाँ से वॉइस भी दे सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे वॉइस देना है। यहाँ पर वॉइस पे क्लिक करने के बाद इसको क्रॉप, यहाँ पर वॉइस पे क्लिक करें और अपना वॉइस रिकॉर्ड करें, उसके बाद इसको वीडियो को एक्सपोर्ट कर ले हाई रेजोल्यूशन में, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करके करने के बाद फुल HD 1080 और 30 FPS पे इसको एक्सपोर्ट कर ले, तो आपका इंट्रो हो जाएगा तैयार। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं। और आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को बहुत 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 शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है, ठीक है। और आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।